अब हम पढ़ेंगे आपका पार्ट टू एडवांस फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आपका चैप्टर 3 का। तो हमने पढ़ लिया था कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट, है ना। तो एक और मेन कंपोनेंट ऑफ चार्ट क्या आपका, यहाँ से पढ़ेंगे हम 10 से, डाटा लेबल। तो इट इज़ द टाइटल गिवन टू द डाटा मार्कर्स इन अ चार्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका डाटा लेबल, जैसे कि आपका चार्ट होता है ये चार्ट, जैसे चार्ट में ये आपका ग्राफ है, तो ग्राफ में जो यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी रहती हैं जैसे कि 30, 40, ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम आपका डाटा लेबल, ठीक है। और 11 है आपका डाटा टेबल, इट इज़ अ टेबल कंटेनिंग द वैल्यू फॉर ईच डाटा सीरीज यूजुअली डिस्प्ले बिलो अ चार्ट, ठीक है। ये आपके यूजुअली चार्ट के नीचे होती है, चार्ट के नीचे जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा आपका इतने एरिया में मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है। मार्क्स आउट ऑफ 100 मीन्स ये आपको डाटा क्या बताता है, आपका वैल्यूज़ बताता है डाटा की, ठीक है, जो सीरीज़ में डिस्प्ले होती है चार्ट में। इट इज़ अ डेफिनेशन पढ़ेंगे, इट इज़ द टेबल कंटेनिंग द वैल्यूज फॉर ईच डाटा सीरीज, मीन्स डाटा सीरीज़ में वैल्यूज़ को कैसे अरेंज किया गया है, तो ये वो दिखाता है। अब आपके चार्ट कैसे बनाते हैं, क्रिएटिंग अ चार्ट, टू क्रिएट अ चार्ट फॉलो दीज स्टेप्स, ठीक है। अगर आपको चार्ट बनाना है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाना है, ठीक है। जो आपका एक एप्लीकेशन होता है उस पर क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ से देखेंगे फर्स्ट से, टाइप द डाटा एज शोन इन द शोन एंड सेलेक्ट द रेंज A1 to B7 इंक्लूडिंग कॉलम टाइटल्स। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डाटा टाइप करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको डाटा दिखाया गया है, तो ये डाटा आपको टाइप करना है, जैसे नेम दिया गया है यहाँ पर मार्क्स। तो अब आपको सेल सेलेक्ट करना है A1 से B7 तक, A1 से B7 मीन्स जैसे कि आपको पता ही क्या होता है आपका A1, A2, A3, A4 मीन्स ये ऊपर से नीचे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये A है, तो ये क्या हो जाएगा A1, A2, A3, A4, A5, 6 और ऐसे ये क्या हो जाएगा B, B1, B2, B3, B4। तो ऐसे ही आपको A1 से B7 को पूरा सेलेक्ट करना है। फिर आपका सेकंड क्या है, क्लिक करना है इंसर्ट टैब पे, देखिए आप इंसर्ट टैब है आपका, ये रहा इंसर्ट टैब पे, इस पर क्लिक करना है आपको। फिर जो है आपका एक यहाँ पर इंसर्ट टैब में आपके ऑप्शंस आएंगे, तो इंसर्ट टैब में आपको क्लिक करना है कॉलम पे, ठीक है, इंसर्ट कॉलम, ये रहा ऑप्शन, इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कॉलम्स के टाइप आ रहे हैं, देख सकते हैं आप कॉलम्स के टाइप आएंगे, फिर यहाँ पर कॉलम्स को जिस टाइप का भी चाहिए आपको उसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सिलेक्ट कर दिया आपने, उसके बाद अब जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका चार्ट कुछ इस तरह दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ व्यू तक ही था ऑप्शन यहाँ में, ठीक है, यहाँ पर व्यू तक ही था ऑप्शन, और अब ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा आगे तक, ठीक है। यहाँ पर व्यू था, अब दो टैब और खुल गए, डिज़ाइन और फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है 2 new tabs डिज़ाइन एंड फॉर्मेट अपीयर्स इन द रिबन अंडर चार्ट टूल, ठीक है। तो दो और नए ऑप्शन आपके दिखाई देते हैं हमें, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको डिज़ाइन और फॉर्मेट। दीज टैब्स कंटेन ऑप्शन फॉर एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द चार्ट, ठीक है। अगर आपको एडिट करना है चार्ट तो ये ऑप्शन आपके काम आते हैं, एडिंग एंड एक्सिस टाइटल। अब एक्सिस टाइटल क्या होता है आपका, जैसे आपका एक्स एक्सिस होता है, यह आपको होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसके नीचे जो टाइटल आ गया है ना, यहाँ पर अगर कुछ लिखना है हमें तो उसे क्या बोलेंगे हम, एक्सिस टाइटल। तो इसमें क्या करना है, पहले आपको
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लिक करना है चार्ट पर, ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है यहाँ पर। पहले चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद चार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन में क्लिक करेंगे। डिज़ाइन में क्लिक करने के बाद, ठीक है, डिज़ाइन में क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्विक ऐड चार्ट एलिमेंट, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ऐड चार्ट एलिमेंट। उसके बाद आपको क्लिक करना है ऐड चार्ट एलिमेंट में, ऑप्शन आएगा आपका एक्सेस टाइटल, ये वाला एक्सेस टाइटल। फिर एक्सेस टाइटल में आपको प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इसके बाद ये सब करने के बाद आपको ओके क्लिक कर देना है। अगर आप ये करेंगे तो आपका ऐसे फॉर्मेट आ जाएगा, एक बॉक्स आ जाएगा, देखिए नीचे जैसे कि यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, ये बॉक्स आ जाएगा। फिर आपको जो है इस बॉक्स में, आपको इस बॉक्स में नेम टाइप करना है जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर नेम दिखाए गए हैं तो हमने नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिख दिया यहाँ पर। अब देखेंगे हम एडिंग अ चार्ट टाइटल, तो चार्ट टाइटल कैसे ऐड करना है, देखिए सबसे पहले आप कहाँ पर जाएंगे, चार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चार्ट टाइटल क्या हो गया आपको, जैसे कि यहाँ पर चार्ट के ऊपर एक टाइटल हो गया, ये वाला टाइटल, ठीक है, चार्ट के ऊपर कुछ टाइटल डालना चाहते हैं आप तो चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेकंड डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन में जाने के बाद देखिए जहाँ पर ये ब्लू कलर से दिखाए गए हैं ना एरो, बिल्कुल वैसे ही। और नंबर देख लीजिए 1-2 यहाँ पर लिखा है, तो वही आपको फॉर्मेट है कैसे करना है। तो डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, थर्ड दोबारा ऐड चार्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, एलिमेंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद चार्ट टाइटल, ठीक है, चार्ट टाइटल ये रहा आपका, चार्ट टाइटल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा, जो भी आपको ऑप्शन चाहिए उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस चार्ट में बनाना है तो अबव चार्ट पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं, टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं टाइटल बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स में वो लिख सकते हैं आप। सिमिलरली ऐसे आपके जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं आपके चार्ट्स के, आप ऐसे ही उन्हें एडिट कर सकते हैं डिज़ाइन और चार्ट टूल्स में, ठीक है, डिज़ाइन टैब में, चार्ट टूल्स में आप ये सब कर सकते हैं। डिज़ाइन टैब, टैब पता है आपको, जैसे कि टैब क्या होते हैं आपके, ये ऊपर वाले ऑप्शंस, ठीक है, ये ऊपर वाले ऑप्शंस को हम टैब कहते हैं। जैसे आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, डिज़ाइन, तो ये रहा आपका डिज़ाइन टैब। और इसमें आपका है डिज़ाइन लेआउट में, किस में जाना है आपको, चार्ट टूल्स में। तो ये सब आपके चार्ट टूल्स हैं। अब हम देखेंगे चेंजिंग द चार्ट टाइप और सब टाइप। अब चार्ट का टाइप चेंज करना मीन्स उसको दूसरे चार्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हमें अगर चार्ट का टाइप चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है चार्ट पर, और उसके बाद क्लिक करना है आपको डिज़ाइन में। तो डिज़ाइन में क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अब करना है आपको डिज़ाइन में क्लिक। उसके बाद आपको जाना है चेंज चार्ट टाइप, ठीक है, चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे तो आपका जैसे ये ऑप्शन दिखाया गया है यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो एक जो भी आप ऑप्शन पे क्लिक करना चाहते हैं, ठीक है, अलग अलग चार्ट टाइप हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब जैसे ये था बार, ये चार्ट था जैसे आपका, अभी किस में कन्वर्ट हो गया, देखिए इस टाइप में कन्वर्ट हो गया ये वाला चार्ट, ठीक है, ये यही वाला चार्ट है जो इस वाले टाइप में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आप और भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर चार्ट स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, अब चार्ट स्टाइल क्या होता है आपका, मीन्स आप इसको कैसे अलग अलग और तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट टेबल चार्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद डिज़ाइन में टैब में क्लिक करना है, और उसके नीचे मोर में जाएंगे तो देखिए बहुत सारे चार्ट के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, स्टाइल्स, तो किसी भी स्टाइल्स पे क्लिक कर सकते हैं आप, तो इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। सॉर्टिंग डाटा, सॉर्टिंग डाटा मीन्स
अरेंज करना डाटा को, मीन्स जो भी हमारे पास नंबर है, इंफॉर्मेशन है, उसके कैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना, अरेंज करना। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पता है आपको, असेंडिंग छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग बड़े से छोटा। तो डाटा कैन बी सॉर्टेड ऑन इन रोज, तो डाटा को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं हम रोज में, ठीक है। रोज पता है आपको क्या होती है, एक पूरी सीधी एक रो होती है आपकी, और किस किस बेसिस पर, टैक्स नंबर या तो टैक्स होगा डाटा में, है ना, जो आपकी डाटा है रो में, तो या वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट्स या फिर नंबर्स या फिर दोनों टेक्स्ट और नंबर्स की फॉर्म में होगा। एक बार जब डाटा ये ऑर्गेनाइज हो जाता है तो हमारे हमको इसमें काम करने में बहुत ईजी होता है। तो आपको कैसे डाटा सॉर्ट आउट करना है, तो नंबर वन क्या करना है आपको, रेंज, रेंज पे क्लिक करना है आपको, सेल्फ कंटेनिंग द डाटा टू बी सॉर्टेड, ठीक है। तो रेंज, रेंज पे क्लिक किया आपने, रेंज मीन्स आपकी पूरी लाइन हो गई है, एक रो हो गई आपकी। तो सेकंड क्या करना है आपको, सॉर्ट एंड सॉर्ट ऑप्शन में जाना है, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑन डाटा टैब, ठीक है, डाटा टैब में जाना है आपको, ठीक है। डाटा टैब में गए आप, ये रहा आपका डाटा टैब में गए, उसमें सॉर्ट एंड फिल्टर्स में क्लिक करेंगे आप, ठीक है। तो डाटा, तो आपको क्या होगा, सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा ऐसे कुछ, जैसे कि हमें आपको दिखाया गया है, तो ऐसा कुछ बॉक्स अपेयर होगा आपका, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप, क्लिक ऑन द कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ विच यू वॉन्ट टू सॉर्ट द सैलरी, सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। तो आपको पहले ये करना है, कॉलम को सिलेक्ट करना है, तीनों कॉलम्स हैं यहाँ पर आपके दिख रहे हैं आपको, बेसिस ऑफ विच यू वॉन्ट टू सॉर्ट फ्रॉम द सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। अब फिर फोर्थ में करना है आपको वैल्यूज, वैल्यूज के फॉर्म में चाहिए आपको, फिर ये ड्रॉप आउट लिस्ट यहाँ से पता चलेगा आपको। इसके बाद आएगा आपका फिफ्थ ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ सॉर्टिंग फ्रॉम द डाउन ड्रॉप लिस्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब दिखाई दे, यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखा गया है ना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो यहाँ पर हम ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं कैसे फॉर्म में डाटा चाहिए। जैसे अब यहाँ पे हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया, अब देखिए अरुणा, अरुणा की सैलरी कितनी है, 15,000, 16,000, 18,000, ये सब की सैलरी अब कैसे आ गई, असेंडिंग ऑर्डर में आ गई, 15, 16, 18, 20, 34, 35, पहले कैसे थी, इन अरेंज अनअरेंज थी, मीन्स अरेंज ऑर्डर में नहीं थी, ठीक है। तो अब हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो स्टूडेंट्स अच्छे से देखेंगे वीडियो को, समझेंगे, और जो नहीं समझ में आएगा पूछेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।